आम आदमी के लिए कुछ राहत की खबर है तो कुछ रुलाने वाली भी है। गुरुवार आधी रात के बाद से पेट्रोल के दामों में कमी कर दी गई है। वहीं डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल के दाम में 1.09 रुपये कम कर दिए गए हैं, हालांकि डीजल के दाम में 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल के दाम में कमी को लोगों ने अच्छे दिन की शुरुआत बताया है, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं जो डीजल के दाम बढ़ने से दुखी हुए हैं। पिछली सरकार भी ऐसे करती थी, आज इन्होंने भी किया, कोई बड़ी काम नहीं किया। आज घटाएं कल बढ़ा देंगे। डीजल जो है वो कमर्शियल चीजों पर इफेक्ट करता है, तो डीजल पे हमेशा जो है वो कंट्रोल रहना चाहिए। पेट्रोल तो अप डाउन चलता रहता है। Obviously, it will help us if the prices are reduced, and we hope that it will reduce further. That's it. Price कमने से तो अच्छा ही है ना मार्केट, और अच्छा और कमने से और अच्छा होता। सुन के अच्छा लगा कि पेट्रोल पे 1 रुपया घटा। इसी तरह हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाली दिनों के अंदर भी जो है कि बाकी और चीजों पे भी भाव घटेंगे। के जमाने में हर चीज पे दाम बढ़ रहे हैं, जैसे हर चीज है, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि पेट्रोल पे कम होगा। अब वो गाड़ी चलती है तो वो तो पेट्रोल गाड़ी में चलता है बरोबर। अब उसके अंदर अपने जो खाते हैं अनाज, वही चीज अगर कम करे सरकार उसके पैसे तो बहुत अच्छी बात है। 1 रुपये पेट्रोल का दाम घटा हुआ है, उसे डीजल और सब्जी अनाज का भी घटे, सरकार से यही उम्मीद करते हैं मोदी जी से। थोड़ा डीजल में कम होना चाहिए, क्योंकि डीजल तो आम आदमी के किसान के लिए यूज होता है। पेट्रोल में तो बढ़ा दो, डीजल में कम होनी चाहिए। मोस्टली टैक्सी वालों के साथ तो बहुत ज्यादा, क्योंकि रेट वो है नहीं जो टैक्सी में मिलने चाहिए हमें, रेट कम होते जा रहे हैं, डीजल बढ़ते जा रहा है। अच्छा है, कम हुआ है, एक तरफ बढ़ने से भी थोड़ा सा लॉस भी है, बाकी सब अच्छा ही है। अच्छी बात है तो पेट्रोल से रेट कम करें, पर डीजल से बढ़ा दी, ये भी एक समस्या है। मोदी आया सब कुछ होगा, मतलब अच्छे दिन की शुरुआत है। अच्छे दिन की अभी शुरुआत है, देखो आगे के क्या होता है। अभी शुरुआत जैसे पेट्रोल से हुई, जैसे सब में साग भाजी है, सब में इसमें भाव अनाज पानी में, इसमें सब यानी कट होगा, यानी धीमे धीमे। इट शुड रिड्यूस फर्दर, एंड पेट्रोल डीजल एंड द कुकिंग गैस, इट शुड रिड्यूस फर्दर। तो सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। चीजें महंगी सस्ती का कोई मतलब नहीं है, बट दे शुड बी सस्टेनेबल।